गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। माँ सरस्वती कंप्यूटर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएस वर्ड में कोई भी दो फाइल के बीच में आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर आप एक ऑफिस में जॉब कर रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को किसी के पास प्रूफ करने के लिए भेजते हैं, तो वो जब आपको प्रूफ करके दे देता है तो आप चेक करना चाहते हैं कि कहां कहां गलतियां था, क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो इसको जानने के लिए आपको एमएस वर्ड में कंपेयर वाले सेक्शन में जाना पड़ता है। तो ये कहां पर है और कैसे इसका यूज करेंगे, तो इसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद होने वाले हैं। तो बिना समय को नष्ट किए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और देख लेते हैं ये कंपेयर कैसे करते हैं। सो लेट्स, जैसे कि हम लोग आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स खुला हुआ है। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम लोग जानेंगे कि कोई भी आपके पास अगर दो वर्ड फाइल है तो उन दोनों के बीच हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे। जी हाँ, अगर मान लेते हैं कि आप कोई नोट्स तैयार किए हैं या कोई एप्लीकेशन टाइप किए हुए हैं और उसको आप प्रूफ के लिए किसी के पास भेजते हैं, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा और वो आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ करेक्शन कर सकते हैं। तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से किस तरह अलग है या क्या क्या करेक्शन हुआ है वो देखने के लिए हम लोग एमएस वर्ड में कंपेयर वाले सेक्शन से हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो वो टूल्स कहाँ है, किस टैब से इसका इस्तेमाल होगा, आज के टॉपिक में हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि हम लोग के पास एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स खुला हुआ है तो हम लोगों को सबसे पहले जहाँ जाना है वो है रिव्यू टैब। चलिए मैं उसको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको मिलेंगे रिव्यू टैब। इस रिव्यू टैब में आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये आपके कंपेयर वाले सेक्शन ओपन हो जाएंगे। इसका नाम है कंपेयर। और कंपेयर सेक्शन ओपन होते ही यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, एक कंपेयर एक कंबाइन। तो कंबाइन दूसरे चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो हम लोग कंपेयर वाले सेक्शन में जाएंगे क्योंकि आज के टॉपिक में हम लोग दोनों वर्ड फाइल के बीच में कंपेयर करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही आप कंपेयर वाले सेक्शन में आप क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद आपके पास ये विंडो अवेलेबल होंगे। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ये विंडो अवेलेबल होंगे। जैसे ही आपके पास ये विंडो अवेलेबल होंगे तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर ओरिजिनल फाइल्स और यहाँ पर रिवाइज डॉक्यूमेंट्स आपको लेना है। मतलब ओरिजिनल फाइल वो हो गए मतलब जो आपने खुद बनाए थे, और रिवाइज डॉक्यूमेंट्स मतलब आपने जिसको चेक करने के लिए भेजा था वो जब चेक करके आपके पास भेज देंगे तो वो वाला जो फाइल होंगे उसको आपको यहाँ पर रखना है। मैंने यहाँ पर दो फाइल्स डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखे हैं, चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है एप्लीकेशन नाम से है जो कि यहाँ पर रखे हुए हैं एप्लीकेशन नाम से। देखिए यहाँ पर ये मेरा ओरिजिनल डेटा है। अब आज हम लोग यहीं पर जानेंगे कि ये ओरिजिनल जो डेटा है इसमें क्या क्या चेंजिंग आया है। मैंने इसी को प्रूफ करने के लिए भेजा था और इसी को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कंपेयर वाले सेक्शन में जाएंगे। जैसे हम लोग कंपेयर वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर कंपेयर में क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आपको अपना जो डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी किए थे वो डॉक्यूमेंट्स का पथ आपको देखना है। पथ मीन्स होता है एड्रेस, आपको वो एड्रेस देना है। तो वो एड्रेस कहाँ से देंगे, यहाँ पर देखिए एक डाउन एरो है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने बहुत सारे पथ ओपन हो जाएंगे, लेकिन आपको अपना फाइल को यहाँ पर चूज करना है। तो यहाँ से आप ब्राउज में चले जा सकते हैं, ब्राउज में जाके भी आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि मैंने अपना फाइल डेस्कटॉप में रखे हैं तो डेस्कटॉप से हम यहाँ पर एप्लीकेशन वाले सेक्शन को ओपन कर लेंगे क्योंकि मेरा ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो एप्लीकेशन है। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से भी एप्लीकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है रिवाइज डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो डेटा उसने सेव किया है उन्होंने सेव किया है आपको चेक, आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद वो वाले जो डेटा है उसको आपको लेना है। मतलब उन्होंने जो मुझे भेजा था वो एप्लीकेशन 1, 2, 3, मैंने तो उन्हें एप्लीकेशन भेजा था लेकिन वो मुझे वो एप्लीकेशन 1, 2, 3 नाम से
सेव करके भेजे हैं। तो देख लेते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या उन्होंने मुझे चेंज करके भेजे हैं, क्या कंपेयर करके देख लेते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर ओके बटन में क्लिक करेंगे तो क्या होता है देखिए, ओके बटन में क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर कंपेयर करके बताना शुरू कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर देखिए मेन डॉक्यूमेंट्स चेंज एंड कमेंट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चेंजिंग हुआ है वो आपको बताया जा रहा है। सबसे पहला चेंजिंग तो देखिए फॉन्ट का हुआ है, पहले हम लोगों ने जो बनाया था वो एक्चुअल में टाइम्स न्यू रोमन में था, तो ये एरियल में कन्वर्ट हो गया है, ये चीज़ में प्रॉब्लम आया है। चलिए मैं इसको होम करके दिखा देता हूँ। देखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पर था, तो जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं कोई भी चीज़ में, देखिए इसके लिए हम लोग को एक बार इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और ये एप्लीकेशन वाले सिंबल है उसको ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी हम लोग लिखे थे वो टाइम्स न्यू रोमन में लिखा गया था, इसका साइज भी 14 था, ठीक है। अब यहाँ पर चल जाते हैं हम लोग जिसमें चेंज हुआ है, देखिए अब जो नया हम लोगों को जो चेंजिंग करके भेजा है वो एरियल में है और 13 इसका पॉइंट्स किया गया है। डेट में देखिए यहाँ पर जो है इसका फॉर्मेटिंग किया गया है और यहाँ पर जो डेट देख रहे हैं इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो डेट था वो प्लेन में था और यहाँ पर जो डेट है देखिए यहाँ पर आपका फॉर्मेटिंग किया गया है, ये चेंजिंग आया है। पहला फॉन्ट, उसके बाद आपका डेट में फॉर्मेटिंग का वर्क हुआ है। तीसरा डेटेड में देखिए यहाँ पर भी कुछ चेंजिंग हुआ होगा, उसके बाद फॉर्मेटेड सब में फॉन्ट का चेंजिंग हुआ है। अच्छा इसके बाद इंसर्ट किया गया स्टेट, देखिए यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक था तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए रिवाइज डॉक्यूमेंट्स में देखिए यहाँ पर देखिए ये सब चेंजिंग हुआ है, इसका भी साइज जो फॉन्ट है वो भी रियल किया गया है। अच्छा देवघर नगर देखिए यहाँ पर जो हम लोग लिखे थे यहाँ पर देवघर नगर जो है स्मॉल लेटर में लिखा गया था डी को, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है करेक्शन किया गया है, यहाँ पर देवघर नगर को कैपिटल लेटर में लिखा गया है। देखिए यहाँ पर डी को कैपिटल लेटर में मेंशन किया गया है और नगर का एन जो है कैपिटल है ना। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ में चेंजिंग है। देखिए अकाउंट में देखिए यहाँ पर ए कैपिटल लेटर में है, यहाँ पर देखिए पहले जो था उसमें स्मॉल लेटर लिखा गया था लेकिन अभी जो है इसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट किया गया है। तो ये सारे चेंजिंग जो है ये हुआ है। तो यहाँ पर रेड कलर से ये मेंशन भी कर देता है, देखिए जैसे प्रूफ किया जाता है उसी तरह काट के आपको यहाँ पर बताया भी जा रहा है कि कहाँ कहाँ आपका गलतियाँ था, कहाँ कहाँ आपका सुधार हुआ है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है। जय हिंद।